ये है रास्ता मुस्टैंग का। Good morning everyone, it's day 5 of our ride and we are in hostel Pokhara, Nepal and we are all set to leave for... Kushma Bridge. Aaj hum Kushma Bridge explore karenge because wo Nepal ka sabse bada bridge hai. Oye, ek cheez to bhool gaya. Intro. Hello, namaste, sat sri akaal adab and good morning from Eddie. So today we are going to explore Kushma Bridge. It's the highest bridge in Nepal and bahut zyada excitement hai and bikes are ready. Zyada kuch nahi, hum saman sara leke nahi ja rahe hain basically. Zostel se we have checked out and just check into this hotel kyunki wahan pe hamari booking kal tak ki thi. So sara luggage humne yahan pe rakha hai. So abhi hum simple mein apna tank bag le raha hu, apna drone le raha hu, DSLR le raha hu, GoPro le raha hu. Zyada kuch nahi le raha aur hamare gloves hain. और प्रॉबेबली यहाँ से कुशमा ब्रिज है यहाँ से 60 किलोमीटर्स बट द रोड्स आर टफ, आई थिंक द रोड्स आर टफ, सो हमें टाइम लग जाएगा 2-2.5 घंटे। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, वी वर आउट ऑफ मनी। सो फाइनली दीपक फ्रॉम जोस्टल द मैनेजर, प्रॉपर्टी मैनेजर ना, द प्रॉपर्टी मैनेजर जोस्टल, ही गेव मी 16,000 रुपीज़ बिकॉज आई हैव ट्रांसफर 10,000 रुपीज़ टू हिज बैंक अकाउंट इन INR। सो हमने उसको 10,000 रुपये इंडियन नेशनल करेंसी में दिए हैं, उसको कोटेक महिंद्रा से मैंने अपना ट्रांजेक्शन किया, फाइनली हो गया और हमने 16,000 रुपीज़ नेपाली ले ली है एंड वी आर वेरी हैप्पी नाउ। एटलीस्ट बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, वो हो नहीं पाई, अब इजीली हम अपना जर्नी सक्सेसफुली कर सकते हैं। बट हर्ष भाई का वॉलेट अभी नहीं मिला है, सो अभी क्या अब नहीं मिलेगा। सनौली जाके देना है, देखना है सनौली जाके, वहाँ से हम वो जो जिस होटल में चेक किया था हमने वहाँ से एक बार पता करेंगे, होपफुली मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के लोग हैं नहीं जो चोरी चक्के करेंगे। एनीवेज अभी हम जाते हैं, पेट्रोल भराते हैं, फिर कुछ खाते हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11 in the morning, 11 बज गए ना, इट्स 11 in the morning। सो चलो कुछ खाएंगे, फिर पेट्रोल भराएंगे एंड देन विल लीव फॉर कुशमा ब्रिज, होपिंग फॉर अ वंडरफुल डे अहेड और होपिंग फॉर अ वंडरफुल व्लॉग। बहुत मजा आने वाला, ड्रोन शॉट्स आएंगे कुशमा के, तो I can't wait to hit the Kushma Bridge. Let's go. Yes. Okay, so we have left for Kushma Bridge. It's the highest bridge of Nepal. And we are going to explore that bridge and we'll be taking memorable shots with us. But before that, we need to refuel as I told you. So, abhi dekhte petrol pump kahan pe milega. And what a beautiful weather and what a beautiful lake this is, Pokhara Lake. Amazing man, look at the view. I wish I could have taken drone shots over here because yahan pe to drone udana thoda khatre se khali nahi hoga. Isliye humne drone nahi udaya yahan pe. But I wish I could have, seriously. Okay, so it's time to refuel our bikes. Or we are at Baral Oil Distributors Private Limited, Masbar, Pokhara. Full kar dena. Kya price hai yahan pe? 113 rupees Nepali per liter. Okay, so just refueled our bikes and look at the beautiful view on the mountains. It's totally snow-capped mountains. और अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम होता तो आई विश वी कुड हैव गॉन टू माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, बट उसके जाने में ही 4 दिन लग जाएंगे, सो इतना टाइम है नहीं। बट लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू इन नेपाल पोखरा। और गाइज बेसिकली मुस्टैंग का भी यही रास्ता है, इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू मुस्टैंग दिस इज द सेम रूट यू नीड टू फॉलो। सो मन किया तो शायद आगे निकल जाएंगे, मुस्टैंग भी कर सकते हैं आज, लेट्स सी कितना हो सकता है। हे गाइस, सो वी हैव स्टॉप्ड हियर फॉर आवर फर्स्ट प्रॉपर ब्रेक, दैट इज ब्रेकफास्ट, और हमारी चाय आ गई है। सो भैया ने अभी चाय चाय सो वी आर अभी हां चाय गरम। आल्सो देयर इज अ लेडी ओवर हियर जो काफी सारा सामान बेच रही है, मैं आपको शूट कर रहा हूं पूरा, बहुत महंगा बता रहा है क्या हो रहा है, बहुत बहुत महंगा बता रहा है सामान मैं कल ले रहा था सामान तो ये सस्ता है, यहाँ पे बहुत महंगा बता रहे, सस्ता नहीं है ये देखो कितना कुछ है लेकिन कितना महंगा दे रहे हैं।
बनाना परो अनि बनाउनु परो के किन्न परो मेहनत हैन मेहनत अच्छा नेपाली में बोलो आप नेपाल के कितने लोग देख रहे हैं राम्रो छैन राम्रो छ इंग्लिश में बताओ बेसिकली इंग्लिश इनकी बहुत ब्रोकन है वैसे हमारी भी ब्रोकन है मेरे को तो भी इतनी अच्छी फाड़ इंग्लिश आती नहीं बहुत सारा बड़े बहुत सारा सामान बेचने पड़ी है बहुत ज्यादा कॉस्टली दे रहे हैं अरे गलत बात है इतना कॉस्टली लगाने हम नेपाल के सबसे हाईएस्ट ब्रिज में जा रहे हैं आपको तो फ्री देना चाहिए नेपाल इज वेरी गुड कंट्री So we are having chai. और टोस्ट बना रहे हो ना टोस्ट मिर्ची मत डालना एक में एक बिना मिर्ची का और नमक भी कम रखना हाँ जी तो ब्रेड टोस्ट इज हेयर वैसे बेसिकली ऑमलेट टोस्ट या कुछ भी कह सकते हो जैसे ब्रेड के नीचे अंदर ऑमलेट है सो विल बी हैविंग दिस और अभी बस कुछ नहीं इसको खाते हैं और फिर निकलते हैं बहुत जल्दी बिकॉज यहाँ से कुछ मैं ज़्यादा दूर नहीं है ऑलमोस्ट एक घंटा लगेगा हमें सो चलो बाइक पर बात करते अब रास्ता देखो खराब आ रहा है ओह माय गॉड लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड है रुकना है जाना है समझ नहीं आ रहा दिस इज सो डेंजरस ओह शिट अब ऑफ रोडिंग आई थिंक स्टार्ट हो गई है एडवेंचर बिगिंस ओह हो रोड्स आर गुड बट बीच में बहुत सारे पैचेस है जहाँ पे रोड बहुत ही बिल्कुल ही नहीं है और लोगों का तो ब्यूटीफुल व्यू यार पेड़ों पे ये रेड कलर के फूल बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे सीरियसली मतलब आई डोंट नो कि कैमरे में सही दिख रहा है नहीं बट नेकेड आई से जो दिख रहा है मेरे को वो बहुत अच्छा लग रहा है वाह क्या खूबसूरत है यार क्या ब्यूटीफुल लग रहा है ये रास्ता रोड टू मुस्टैंग Is there any chances of landslide? कि ट्रक क्यों रुके हुए हैं Something happened wrong यहाँ पे ओहो यहाँ पे तो कुछ दिक्कत है भैया यहाँ तो कुछ दिक्कत है भैया साइड में ले लो भैया चलो 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 जल्दी चलो ओ ये तो बहुत ही स्लिपरी है दे आर डूइंग समथिंग क्लियर ओहो हो फिर से जाम लगा यहाँ तो अगेन जाम तो ये क्या कर रहा है रास्ता फिर खराब हो गया Look at this truck. अबे, shit. पैर नीचे करने पड़ेंगे पैर नीचे स्लिप हो सकती है बाइक स्लिप हो सकती है मैं तो अब काउंट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि कितने ऑफ रोडिंग है यहाँ पे और ये ऑफ रोडिंग वैसी नॉर्मल ऑफ रोडिंग है गंदे पत्थर ऐसे पेबल जो है ना बिल्कुल खड़े हैं ये देखो बिल्कुल ऐसे खड़े हुए हैं लुक एट देम बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पिन पॉइंटेड इट कैन बस्ट योर टायर आल्सो ओहो अगर ये फट गया ना टायर तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ओहो
ये क्या रास्ता है, अरे वार्ड लग गई। होपफुली बाइक स्लिप ना हो, बस बाकी तो सब सही है, बाइक स्लिप ना हो। अरे गई, बच गया। लुक एट द रोड्स, दर्दनाक, डेंजरस, डेडलीस्ट, कुछ भी लगा सकते हो। रोड है कहाँ? बे मिट्टी कितनी आ गई। ओहो अबे बस कितनी मिट्टी उठा रही है। अबे बस हट जा। अबे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, इतनी मिट्टी उड़ा गया। अबे अबे अरे चल जा, अबे रुक जा भाई। ऑफ रोडिंग बाइक होनी चाहिए ऐसे रास्तों के लिए तो बिल्कुल प्रॉपर। कुत्ता भाई हट जाओ, कुत्ता भाई। फाइनली थोड़ी सी अच्छी रोड दिख रही है। अगेन अ बैड पैच। अबे ये तो बहुत स्लिपरी लग रहा है। अबे रुक जा भाई, हमें जान दे। दिस इज वेरी स्लिपरी। नो रोड्स, नो रोड्स ऑफ मस्टैंग। दिस इज हाउ यू रीच मस्टैंग। ओह एडवेंचर हो गया। अच्छा ऊपर से ये मिट्टी। अबे सैडलिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा अजीब है। आई एम सैडलिंग, खड़ा हूं मैं बाइक पे। सीट पे नहीं, नीचे फुटबैक्स पे। इट इज, यू शुड नो हाउ टू डू इट बिकॉज बाइक आपकी बैक की लग जाएगी, इतना अजीब रास्ता है ये। यू कैन सी द रोड्स। वे फंस गए, चलो चलो। ओहो दिस इज सो स्लिपरी। आराम से आराम से आराम से। ये है रास्ता मुस्टैंग का, धौलागिरी प्रवेश द्वार, धौलागिरी हिल्स है गाइस का प्रवेश द्वार, मतलब यहाँ से धौलागिरी रेंज स्टार्ट हो जाती है। यस इट मीन्स Look at the view.
व्हाट अ वंडरफुल व्यू, क्या मस्त लग रहा है यार। ओ भाई कितना बड़ा पहाड़ है ये तो, अमेजिंग व्यू मैन। नेचर डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एनी बॉर्डर्स, लुक एट द ब्यूटीफुल पिक्चरेस्क्यू व्यू। Look at those mountains. They are so giant. One wrong move and you just fall in this khai. Oh my god. We are at the longest bridge of Nepal and that is Kushma Bridge. Oh my god, what a beautiful view from here. Looking so amazing. ये देखो पीछे पूरा ब्रिज है। आपको मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगा आपको। अभी मेरे बाल बिल्कुल खराब हो गए। Well, vlogging here is like a dream come true for a vlogger. और ये beautiful view देखो उसको, लेकिन इसको बहुत अच्छे ढंग से दिखाएंगे। ओ बाइक आ गई, बाइक आ गई। But what a wonderful bridge, look at the bridge. So, wow. ये यहाँ के भैया, हाई कर दो भैया सबको। Hi. Hello. From to Calcutta. ये कलकत्ता से हैं और ये तो यहीं के हैं, लोकल। और I'm from Meerut here. Yeah, oh, I'm from Noida, Delhi. Guys, subscribe this channel. Man, मेरी भी मदद करते। So guys, we are missing something. Yeah, we are missing. We are missing the Drunchard. Let's click it. So guys, you just saw the beautiful drone shots. कैसे लगे भैया आपको? ठीक है, सही लगे। बट अभी इससे ज्यादा नहीं उड़ा सकते है ना? ना ना, जितना हुआ उतना बहुत। नेपाली में थोड़ा कुछ बोल दो यार, कुछ खास यहाँ का। मेरो घर कोलकाता हो, फेरि म यता नेपालमै बस्छु, कुस्मा मेरो पसल छ। अच्छा, फेरि यो हाम्रो साथीहरू नेपालबाट आउनुभयो, जे होस् एकदम मन पर्यो। तपाईँ पनि हेर्नुहोस्, यो कुस्माको सबभन्दा लङ्गेस्ट पुल हो, सबभन्दा लामो पुल भनेपछि यही भन्छ, त्यसलाई भन्छ। बहुत बढिया, शुक्रिया शुक्रिया। सो हम लोगों ने दो दोस्त बना लिए यहाँ पे फटाफट, और अभी इनसे इनके साथ चाय वगैरह पीते हैं, ठीक है। सो इट वॉज अ वंडरफुल ड्रोन शॉट, आई थिंक यू लाइक्ड द ड्रोन शॉट्स। और एक लाइक कर देना, अभी वीडियो एंड नहीं हो रही, अभी एंड नहीं हो रही, अभी बहुत कुछ है। और क्योंकि इससे ज़्यादा हम नहीं उड़ा सकते, बिकॉज देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ओवर हियर, क्योंकि अब कुछ नए रूल्स हैं शायद यहाँ पे बन गए हैं, तो अब ज़्यादा नहीं उड़ा सकते। जो ओवरव्यू मैंने लेना था वो ले लिया थोड़ा बहुत, एंड एक लास्ट व्यू DSLR से भी देख लो। Can you see the dust on my bike? Look at it. So ये सारी जो भी गंद हुई है बाइक, ये सब आज की राइड के बाद का रिजल्ट है। Well, it's looking good, but क्योंकि जो इतनी ऑफ रोडिंग करने के बाद बाइक ऐसी बहुत अच्छी लग रही है फिलहाल देखने में मुझे। Look at this. कितनी सादा मिट्टी पड़ी है यार इसमें तो। कुछ ही नहीं दिख रहा। ओके गाइस, सो हम लोग पहुंच गए थे 7 बजे वापस कुशमा ब्रिज से। तो इट वाज वेरी एडवेंचरस राइड एंड इट वाज वेरी थ्रिलिंग, बहुत मज़ा आया ऑफ रोडिंग की। और अभी सीन ये है कि हम लोग हैं हॉस्टल के रिसेप्शन पे, और ये एक्चुअली रिसेप्शन बंद हो गया था,
बट बहादुर भाई ने ये खुलवा दिया है हमारे लिए सबको। और ये इसलिए खुलवाया क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट की इशू है, तो लाइट नहीं थी, अब इवेंचुअली लाइट आ गई। जस्ट 5 मिनट हुए हमें ये सब लगाते हुए, एक्चुअली सब चीज़ें चार्ज हो रही है बिकॉज टुमारो विल बी लिविंग फॉर काठमांडू, प्रॉब्ली 8, 7, 6, 7, 8 के अराउंड निकल जाएंगे। सो इसलिए यहाँ सब चीज़ें चार्ज करनी थी एंड आई नीड टू ट्रांसफर ऑल द डेटा टू माई लैपटॉप ऑल्सो। सो ये इसलिए ये सब ताम झाम चल रहा है। और आज की राइड बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस थी, बहुत मज़ा आया। मज़ा आने के साथ साथ बहुत मिट्टी आई, बहुत मिट्टी आने के साथ बहुत पत्थर आए, बहुत पत्थर आने के साथ बहुत कीचड़ आया। ऑफरोडिंग बहुत अच्छी थी, सब कुछ आया लेकिन रोड नहीं दिखी अच्छी। रोड थोड़ी सी रोड थी, वो स्टार्टिंग वाला पैच अच्छा था, बाकी बहुत ही ज्यादा सेकंड के लिए रोड आ रहा था। एंड वी कवर्ड 60 किलोमीटर इन 4 आवर्स व्हिच इज अराउंड 15 किलोमीटर पर आवर। नहीं एक्चुअली द मेन रीजन वाज कि अंधेरा हो चुका था, 4:30 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। जाते हुए हमें भी इतना टाइम लगा था, लेकिन नहीं कम लगा था टाइम, हम आते टाइम जल्दी आए पता आपको। एनीवेज जितना भी टाइम लगा जो भी था अच्छा था, बहुत मज़ेदार था। मुस्टैंग जा नहीं पाए बिकॉज मुस्टैंग जाने के लिए हमें पता चला एटलीस्ट यूनिट 4 डेज, तो 4 दिन चाहिए क्योंकि 160 किलोमीटर इट्स नॉट ए ईजी टास्क। अगर आपको ऐसा लगता है कि 160 किलोमीटर नहीं पहुँच पाए तो प्लीज़ खुदा के कर लो एक बार। अगर हमारे पास 4 दिन होंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वी विल डू मुस्टैंग। बट हमने आपको मुस्टैंग की सारी रोड्स दिखा दी, इट वाज रियली डेंजरस, सब कुछ है वहाँ पे। इफ़ यू वांट एनी स्पेशल एडवेंचर इन योर नेपाल ट्रिप, गो टू मुस्टैंग, हमारी एडवाइस है, तो आप जा सकते हो। एनीवेज इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू, होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, इट वॉज वेरी ट्रेचरस राइड, बहुत मजा आया। एंड इफ यू रियली डू सो प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब हर्ष भाई चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फर्स्टली। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट भी छोड़ दो और एक लाइक छोड़ दो। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इज गुड बाय फ्रॉम माई साइड, राइट एट हर्ष, राइट हैप्पी, राइट कॉन्फिडेंट, एंड प्लीज टू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खाओ पियो मजे करो ऐश करो, क्या पता कल हो रहा हो। बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। सो टुमारो इज द डे 6 ऑफ आवर राइड एंड दिस हॉस्टल रिसेप्शन इज लुकिंग सो फैबुलस यार, कितनी अच्छी लाइटिंग है यहाँ पे, मन कर रहा है हमारे से मेरा घर भी ऐसे ही होता देखो। सो मिलते हैं कल, टुमारो विल बी लिविंग फॉर द कैपिटल सिटी ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल काठमांडू। सो एक्साइटमेंट है और अभी सब कुछ करना है एंड आई एम ऑल्सो एडिटिंग। सो डे 1 का व्लॉग वैसे आ चुका है अब, सो व्लॉग 2 की एडिटिंग चल रही है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।